You are watching Poonch Live. मेरा नाम डॉक्टर करणजीत सिंह पुरी है, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा समागम हो रहा है और इस समागम में
दुनिया भर के लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये इकट्ठे होकर बना रहे हैं। यहाँ पर एक जो है मैसेज जाता है भाईचारे का कि सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। ये बॉर्डर एरिया का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा, तारीखी गुरुद्वारा है, तो तारीखी गुरुद्वारे में जो है ये एक मिसाल जाती है पूरे दुनिया में कि सब इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं। बॉर्डर एरिया में पहले तो फायरिंग होती थी लेकिन आजकल रुकी हुई है। तो मैं यही सब भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपस में मिलकर रहना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं। देखें जी, मेरा नाम मोहम्मद जमील, मैं सरपंच हूँ कस्बा पंचायत से, और ख़ास तौर पर बॉर्डर एरिया में जो खड़ी करमाड़ा में सिख बरादरी का आज प्रोग्राम है, मैं ख़ास तौर पर सिख बरादरी को एक मुबारकबाद देता हूँ। इनको बहुत बहुत मुबारक है हमारी मुसलमान बरादरी की तरफ से, ख़ास तरफ मेरी तरफ से भी। और आज देखो जी, खड़ी करमाड़ा में यहाँ पे शलिंग होती थी इस एरिया में, बॉर्डर एरिया, और बॉर्डर एरिया में आज ये कितना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे सिख बरादरी ने किया, जिसमें मुसलमान बरादरी भी और ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी भी सब मिल के इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं इस सिख बरादरी को इस दिन के तहत मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। हाँ जी, राविंदर सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज का ये इतने जो दिन बनाया जा रहा है, ये इतने हर साल जो है गुरमत समागम कराया जाता है। ये इस टाइम बार्डर से खड़ी धर्मसाल का एरिया है। इस वार का जो समागम है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को समर्पित है, जो कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की कुरबानी है समुची मनुखता दे ले सी, ते गुरु पातशाह जी की विचारधारा ही समुची मनुखता दे ले सी। तो उस संबंध में इन बाईवां गुरपुरब समागम जो है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को समर्पित है, जिस दे विच तकरीबन हर धर्म के हिंदू मुस्लिम सिख दूर दुरांडे तो पंजाब तो जम्मू तो संगत जो ने वो इतने पहुंचिया ने।